हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और फ्रैकल्स वगैरह। फ्रेंड्स, अगर आप इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, ना सिर्फ आप एक्ने और पिंपल्स वगैरह बल्कि अपने फेस से छाइयां वगैरह भी खत्म कर सकते हैं अगर आप इस पर अमल करें। फ्रेंड्स, मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना होगा और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। बहुत सारे लोग एक्ने, पिंपल्स और फ्रैकल्स को छुपाने के लिए ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटी क्रीम्स के यूज से वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि हमारी स्किन सही हो गई है, लेकिन बाद में स्किन पर रेडनेस वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन मजीद खराब हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कभी भी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रेंड्स, आपने सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर हो सके तो सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी किया करें, जैसा कि ऑरेंज और अनार वगैरह। ये दोनों फ्रूट्स स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा आप लेमन वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्जियों से दूर भागते हैं। अगर आप सब्जियां शौक से खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सब्जियां आपकी हेल्थ और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। अगर हो सके तो कुकम्बर को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लें। दोस्तों, कुकम्बर से आपकी स्किन हेल्दी रहती है और कुकम्बर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। कुकम्बर को आप अपनी डाइट में मुख्तलिफ तरीकों से शामिल कर सकते हैं। आप सिंपल कुकम्बर को खा भी सकते हैं और सैलेड में यूज भी कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए बेस्ट हैं। गोश्त का इस्तेमाल भी लाजमी किया करें। अब ये तो मैं नहीं कहूंगी कि डेली बेसिस पर गोश्त का इस्तेमाल करें, लेकिन गोश्त का इस्तेमाल भी लाजमी है। अगर हो सके तो फिश का इस्तेमाल भी किया करें। फ्रेंड्स, फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा बॉयल्ड एग भी यूज किया करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब वो अंडा खाते हैं तो उसकी जर्दी को बाहर निकाल देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अंडे की जर्दी को भी लाजमी खाना है। और दोस्तों, मेन चीज है पानी। पानी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना ज्यादा किया करें। दोस्तों, आप ये ट्राई करके देखें कि जब आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो आपकी स्किन मेंटेन रहती है, और जब आप पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो आपके फेस पर एक्ने और पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी पीकर आप अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान और सबसे सस्ता जरिया है स्किन को ठीक करने का। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। फ्रेंड्स, आपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करना है। ये नहीं कि डेली बेसिस पर आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं। अगर हो सके तो कर लें, अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं। अगर हो पाए तो वॉलनट का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि वॉलनट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर द स्किन। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके फेस पर एक्ने और पिंपल्स वगैरह हो, तो वो अपने हाथों से अपने एक्ने और पिंपल्स वगैरह को दबाना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, बार बार अपने हाथ अपने फेस पर ना लगाया करें। इसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेट होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर मजीद एक्ने और पिंपल्स वगैरह आ सकते हैं। तो जिन भी लोगों की ये आदत है वो इसे अवॉइड करें, वरना वो डाइट प्लान को फॉलो कर भी लें तो भी उनके लिए कोई फायदा नहीं होना। सो बार बार अपने फेस को टच ना किया करें। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे और आपकी स्किन पर एक्ने, पिंपल्स और फ्रैकल्स वगैरह भी ना हो, तो टोमेटो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों, आप टोमेटो को खा भी सकते हैं, सैलेड में यूज करके खा सकते हैं, टोमेटो जूस भी बना सकते हैं, या फिर टोमेटो के पेस्ट को अपने फेस पर लगा भी सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपकी स्किन को मेंटेन रखने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप इन पर अमल कर लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी स्किन एक महीने के अंदर मेंटेन हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो भी करने लग जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।